हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नई सीरीज हाइड्रोपोनिक सिस्टम की असेंबलिंग के ऊपर। मेरा असेंबलिंग के ऊपर ये दूसरा वीडियो है, तीसरा एक और एक वीडियो इसके बाद में आने वाला है जिसमें मैं कंप्लीट असेंबलिंग कैसे करते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स की उसके ऊपर वो कंप्लीट जो है सेटअप करके आपको दिखाऊंगा, सो दैट आप अपने घर पे बगैर किसी हेल्प के खुद का हाइड्रोपोनिक सिस्टम बना सके। सारी टिप्स बताऊंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा, जहां जहां पे मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपको सॉर्ट आउट करना बताऊंगा, सो दैट आपको किसी को कोई भी फीस देने की जरूरत ना पड़े और आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम को बड़ा सक्सेसफुली अपने घर पे खुद के लिए और अपनी फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए लगा सकें। आप चाहें तो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आप करें अपने घर के लिए और जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए इस वीडियो में हाइड्रोपोनिक सिस्टम की असेंबलिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक सिस्टम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप पाइप के लास्ट एंड पे जो है एंड कैप ज़रूर लगा लें, टेम्परेरली लगा लें जिसको कि आप बाद में ओपन कर सकें अगर ज़रूरत पड़े। एंड कैप लगाने के बाद में आपके पास में जो है पाइप का जो एरिया पड़ता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेजरिंग टेप का यूज़ कर रहा हूँ मैं और मार्कर की हेल्प से मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर लूँगा।
दोस्तों ये है आपका एक एंड, और आपको करना क्या है, जो आपने ऑलरेडी एंड्स बना के रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, इनको आपने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस पीवी सील, ये एम सील की ही एक लिक्विड सील है, इसकी हेल्प से आपने इनको जो है वो लॉक करना है, ठीक है। तो आपके सामने एक लॉक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऐसा कुछ लिक्विड जो है इसमें होता है सील में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो कवर है इसका ढक्कन है, इसके अंदर वाली साइड आप ये सील लगाएंगे कुछ इस तरीके से, गोल गोल घुमाना आपने, ये देखिए, एक कोट इस तरफ लगाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पे जब भी आप ये लगाएं तो मास्क ज़रूर लगा लें। क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये लगाने से आपका पानी जो है वो बाहर लीक नहीं करेगा, तो इसको अच्छे तरह से लगा लेंगे। और उसके बाद में ये एंड को ऐसे आप बंद कर देंगे। दिस इज द रीज़न ये लग चुका है अच्छे से। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। वैसे ही दूसरे एंड पे करेंगे आप। इस एंड को भी थोड़ा सा अंदर से साफ कर लेंगे और इसमें भी कुछ इसी तरीके से राउंड राउंड आपको ये लगाना है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जब अच्छे से सूख जाएगा तो आपका जो वाटर है वो इस पाइप में से जो इसके जो जॉइंट्स हैं वहाँ से बाहर लीक नहीं कर पाएगा। लग चुका है और ये इसका दूसरा एंड भी हमने ऐसे ही फिक्स कर देना। मैं यहाँ पे दो पाइप्स का यूज कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो जितनी मर्जी पाइप्स लगा लें, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये मेरा एक एंड यहाँ से लग गया, क्योंकि मुझे एक साइड से पानी जो है वो नहीं डालना है। तो ये हमारा दूसरा एंड भी रेडी हो गया, जो कि हमने प्लेन रखा है। यहाँ से वाटर का इनलेट करेंगे और दूसरे एंड से आउट जाएगा वाटर।
तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा? असेंबलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको असेंबलिंग में कोई ऐसा पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या आपको वो समझ नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम को असेंबल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हाइड्रोपोनिक सिस्टम एक इजरायली टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी के अंदर आपको प्लांटेशन करके जो है प्लांट्स को ग्रो करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस। वो भी आपको पूरी डिटेल्स आने वाले वीडियोस में मिलती रहेगी। और आप बड़े हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं वो अपने घर की छतों में, बालकनी में, अपने फ्री जो जितना भी स्पेस आपके घर के आसपास है वहाँ पे यूज़ करके आप बहुत अच्छी वेजिटेबल्स की जो है वो कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको डिटेल्स दी, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और आपको आने वाले वीडियोस में उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है उसको प्रेस कर लें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें सो दैट मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में, अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स कैसे आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप पे और देखते रहिए। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप फॉर ऑल द न्यू वीडियोस। क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।